नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी संडे यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या जो है रिजल्ट कब आएगा सीबीटी वन का, ठीक है, सीबीटी वन का रिजल्ट डेट कब आएगा एंड आपका सीबीटी सेकेंड स्टेज सीबीटी जो है वो कब होगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बच्चों के जो है मन में है, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, समझ लो बात, आज जो है लास्ट डेट है, ठीक है। आज लास्ट डेट किसका है, आपका जो है ऑब्जेक्शन के लिए, तो 26 हो गया अभी सितंबर। अब मिनिमम देखो, इसको एनालाइज करके उसको फाइनल आंसर की लाते लाते उन लोग को और मान लो 2 वीक लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं 12 से 15 तारीख तक, अक्टूबर तक वो लोग जो है उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे रिजल्ट, और उसके बाद छुट्टी है बहुत सारे हैं, उसके बाद जो है वैकेशंस आ जाएंगे। तो उसको कंसिडर करते हुए हम लोग मान लेते हैं जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा दैट वुड बी इन नवम्बर, नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मैक्सिमम चांस है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, या आपका अक्टूबर एंड में भी हो सकता है। अक्टूबर एंड बहुत अच्छा करे तो अक्टूबर एंड, नहीं तो आप फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर फाइनल मान लो, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा मतलब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको मिनिमम 2 मंथ आपको दिया जाएगा, मतलब नवंबर भी मिलेगा आपको, दिसंबर भी मिलेगा फॉर प्रिपरेशन। क्यों, देखो 16 दिसंबर तो आपका ग्रुप डी चलना है, 16 दिसंबर तक ग्रुप डी, मतलब तब तक तो कोई स्लॉट नहीं अवेलेबल है। उसके बाद थोड़ा सा वो लोग जो है एक फेज़ रखेंगे कुछ दिनों का, उसके बाद मैक्सिमम चांस है आपका जनवरी में 2019 में जो है आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, मैक्सिमम चांस है। आइदर दिसंबर एंड में तो होना थोड़ा टफ है, वो होगा भी एकदम लास्ट, मतलब 28 से स्टार्ट होगा या 27 से स्टार्ट होगा, लेकिन आप मैक्सिमम चांस है जनवरी में फर्स्ट वीक एकदम 1-2 तारीख से स्टार्ट हो जाए। तो ये आप टारगेट करके चलो, सो दैट आप उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।